डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। AMS हाई स्कूल नर्सरी उर्दू मीडियम, लेक्चर नंबर 9 ऑफ इंग्लिश बुक। आज का हमारा लेसन है, डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेसन है लेटर आई से। आपका वर्ड है आइसक्रीम, इसको आप रीड करेंगे आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। डियर स्टूडेंट जब क्रीम को बर्फ में रख दिया जाता है, फ्रीज करके जम उसमें बर्फ़ जमा दी जाए तो वो आइसक्रीम, आइस का मतलब बर्फ, क्रीम का मतलब क्रीम। ICEICREAM क्रीम, आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम मीन आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम मीन आइसक्रीम। इसी तरह से आपने अपने इस लेटर को, अपने वर्ड को बार बार रिपीट करना है ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अब हम अपनी आज की अल्फ़ाबेट्स को रीड करेंगे। ये स्टूडेंट आज हम अपनी अल्फ़ाबेट्स को रीड करेंगे ए टू एम। मेरे साथ रीड करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फिर से रीड करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ए टू एल अपनी अल्फ़ाबेट्स को बार बार रीड करें और इसको अच्छी तरह याद करें। आपको इनकी पहचान होनी चाहिए और अली सुनाना आना चाहिए। डियर स्टूडेंट अब हम अपना आज का एच वर्क करेंगे। डियर स्टूडेंट हमारे आज के एच वर्क में हम लिखेंगे लेटर आई को। लेटर आई को लिखने के लिए हम यहाँ पर टू डॉट की हेल्प लेंगे। इन टू डॉट की मदद से हम लेटर आई को बनाएंगे। सबसे पहले दोनों डॉट्स को मिलाकर सीधी लाइन, फर्स्ट लाइन पर ऐसे सीधी लाइन और फिर थर्ड लाइन पर ऐसे सीधी लाइन। डियर स्टूडेंट इसी तरह से फिर देखें, सीधी लाइन, छोटी सी लाइन ऊपर और थर्ड लाइन पे। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने अपने तमाम लेटर्स आई को राइट करना होगा। अपने काम को नीटली और बाय सेल्फ यानी खुद से इसका काम करें ताकि आपको जल्द से जल्द इन अल्फ़ाबेट्स को, अपने लेटर्स को लिखना है। उम्मीद है काम को अच्छी तरह करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।